बढ़ते वातावरण को लेके, वर्तमान परिस्थितियों को लेके आप क्या कहना चाहेंगे? जो उपचुनाव हो रहे हैं, ये संदेश आपको लोकसभा चुनाव में ही मिल गया, वही चीजें अब उपचुनाव में भी आपको देखने को मिलेंगी। 9 की 9 सीट हम लोग जीतने जा रहे हैं। आप देखिए, अयोध्या की सीट पर चुनाव क्यों नहीं कराया गया, ये मेरा सवाल है सरकार से। क्या लग रहा है कि समाजवादी पार्टी सभी सीटों को जीत दर्ज करे? जनता चाहती है समाजवादी पार्टी, जनता चाहती है समाजवादी सीट दर्ज करे 9 की 9 सीटों पर, लेकिन प्रशासन का रवैया बिल्कुल सही नहीं है। उपचुनाव को लेकर बहुत दबाव में चल रही है। अगर आप वीडियो फुटेज देखेंगे तो दबाव में प्रशासन द्वारा लिया जा रहा है सरकार के निर्देश में। समाजवादी पार्टी में ऐसा क्या खास है कि जनता दूसरे दलों के मुकाबले सत्ताधारी पार्टी को वोट ना दे के आपकी पार्टी के प्रतिनिधि? क्योंकि यहाँ हर बिरादरी का सम्मान है, यहाँ हर बिरादरी का सम्मान है, यहाँ पे कटेगा बटेगा वाली बात नहीं, यहाँ सब साथ चलेगा वाली बात होती है। क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे माध्यम से? आपके माध्यम से बस मैं यही कहना चाहूंगा, हर धर्म का हमें सम्मान करना चाहिए। भारत में रह रहे हैं, यही हमारे भारत की खूबसूरती है, और हमें भी पुराने लोगों से सीखने को मिला है, आप सब लोगों से सीखने को मिला है, लेकिन अभी ये जो नई हवा चलाई जा रही है जहर बोलने की, इसको खत्म कर करके इस दीपावली को बिल्कुल पटाखे के साथ, धुएं के साथ उसको भी उड़ा दिया जाए सारी गलत चीजें, और अच्छे से हम लोगों का चल। बरेली वासियों को प्रणाम नमस्कार, आप सभी को धनतेरस दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बरेली वासियों को, कैंट वासियों को खासकर बहुत बहुत शुभकामनाएं। समर्थ मिश्रा की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बधाई आप सबको। गौरव क्या कहना चाहेंगे? सभी बरेली वासियों को मेरी तरफ से दीपावली पर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। सभी लोग हर्षोल्लास के साथ दीपावली का पर्व मनाएं, स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें, यही मेरी कामना है और मेरा